नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज से हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो आज हम एक चैप्टर खत्म कर देंगे, है ना, रीजनिंग का। तो क्लास शुरू करने से पहले हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यस आई एम द बेस्ट। क्या बोलेंगे? यस आई एम द बेस्ट। ठीक है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग, आज अपनी पहली क्लास। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घन और घनाभ। इनको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब और क्यूबॉइड, है ना। घन को बोलते हैं क्यूब, घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है दोस्तों, तो घन क्या होता है ना, घन क्या होता है? ठीक है, घन मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये है घन। ठीक है, ये है घन, ये। ठीक है, इसमें थ्री डायमेंशन होती है ना, त्रिविम आकृति होती है इसकी। तो इसको हम तीन तरफ से देख सकते हैं। थ्री डायमेंशन का मतलब ये होता है कि हम इस चीज को तीन तरफ से देख सकते हैं। टू डायमेंशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज को दो तरफ से देख सकते हैं ना, दो तरफ से देख सकते हैं। इसको हम तीन तरफ से देख सकते हैं। कैसे? ये देखिए, एक एक डायमेंशन ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तीन डायमेंशन हो गई, है ना, एक दो तीन। यदि परत की बात करें, ये देखिए, एक दो तीन, तीन चीजें हमें एक साथ दिख रही है ना। तो ये क्या है? क्यू है। इसको हम थ्री डायमेंशन होती है इसकी आकृति, इसको हम तीनों तरफ से देख सकते हैं, मतलब तीन पृष्ठ हम एक साथ इसके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी ये देखिए, तो इसमें हम यदि देखें तो कितने फलक होते हैं या कितने पृष्ठ होते हैं, तो देखिए आप, एक है ना, एक ये हो गया, दो तीन चार पांच और पीछे छह, है ना। ऐसा भी रख के यदि देखें तो कितने हो रहे हैं, एक दो तीन, ये तो तीन हमें दिख ही रहे हैं, है ना। और इसके पीछे के तीन, इसका अपोजिट वाला ये, इसका अपोजिट वाला ये, इसके अपोजिट वाला ये, तीन हमें दिख रहे हैं, इनके पीछे वाले तीन, छह पृष्ठ हो गए। कोनों की यदि बात करें हम इसके, तो कोने कितने होंगे, तो कोने देखिए आप कितने होंगे कोने। यदि हम इसको ऐसा भी रखें सामने, तो देखिए, एक दो तीन चार, चार तो ये हो ही गए, और चार पीछे के, इसको यूं कर देंगे तो चार ये हो गए, चार ये हो गए, कितने हो गए, आठ कोने हो गए इसके, है ना, कॉर्नर या कोने आठ हो गए। चलिए अब हम बात करें इसकी, है ना, ये जो भुजा है इसकी बात करें कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, है ना। ये जैसे ये है, हम इसका देखें कि इसमें भुजाएं कितनी है, तो देखिए तीन तो हमको दिख रही है, एक दो तीन, तीन भुजाएं हमें दिख रही है। चलिए, एक दो तीन भुजाएं ये हो गई। अब तीन इसके अपोजिट भी होगी, है ना, तीन अपोजिट हो गई। चलिए हम ऐसे ऐसे देखते हैं इसको, है ना, ऐसे हमें जल्दी समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये रखा है, एक दो तीन, ये चार, चार भुजाएं हैं। ठीक है, ये चार भुजाएं हो गई है, और चार भुजाएं इसके अपोजिट इस तरफ वाली, चार भुजाएं ये हो गई, चार भुजाएं ये हो गई, आठ हो गई भुजाएं। अब देखिए, चार ये हो गई, इसके अपोजिट की चार ये हो गई। अब देखिए, चार ये हुई, चार ये हुई, लेकिन ये बीच में भी, बीच में भी चार भुजाएं हैं ना, तो चार आगे की, चार पीछे की, और एक दो तीन, और ये चार कितनी हो गई, चार, चार दो ने आठ, चार तीन बारह। तो इसमें भुजाएं कितनी हो गई, बारह। कॉर्नर कोने कितने हो गए, चार, और चार आठ कोने हो गए। और यदि पृष्ठ की हम बात करें, तो पृष्ठ इसमें कितने हैं, एक, इसके अपोजिट दूसरा, है ना, दो तीन चार पांच छह, है ना, छह पृष्ठ हो गए। ठीक है, ऐसा करके भी देख सकते हैं, एक दो तीन, तीन पृष्ठ, ये तीन, इसके अपोजिट छह पृष्ठ हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम इसमें बनाकर देखते हैं, है ना, इसको हम इसमें बनाकर देखते हैं। यदि हम इसमें बनाएंगे बोर्ड में, तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो इसका भी तरीका है ना। कई लोगों को बनाते नहीं आता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं वो, तो कैसे बनाना है ये देखिए, कुछ नहीं करना है। ये एक वर्ग, ये जो वर्ग है ना, इसकी चारों भुजाएं यदि हम बात करें, तो ये जो वर्ग होता है, ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसको हम वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को जो हम 3D रूप में बनाते हैं, थ्री डायमेंशन में बनाते हैं, तो ये क्यूब बन जाता है। ठीक है, ऐसा क्यूब बन जाता है ना, इसकी ये चारों भुजाएं ये बराबर है, ये भी बराबर होती है क्यूब में, ये चारों भुजाएं भी बराबर होती है,
इसके अपोजिट वाली भी बराबर होती है, मतलब सारी जितनी भुजाएं चार चार दुनिया आठ चार तीन बारह जो भुजाएं हैं, बारह भुजाएं सभी बराबर होती है, ठीक है, ये बराबर होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका डायग्राम बनाते समय सिर्फ आपको एक वर्ग बना देना है ऐसा, ठीक है, वर्ग बना दिया आपने, कुछ नहीं करना, एक दिशा में कोई सी भी दिशा ले लो, ऊपर नीचे किसी तरफ भी ले लो, उस तरफ आपको लाइन ऐसी खींच देनी है, ऐसी है ना, सभी कोने से एक एक लाइन ऐसी खींच देनी है आपको, एक दिशा में खींचनी है, आप किसी भी दिशा में खींच सकते हैं, इधर इधर कहीं भी खींच सकते हैं, तो एक दिशा में किसी भी एक दिशा में आपको ऐसी लाइनें बराबर बराबर लाइनें खींचनी है एक ही दिशा में, और सबको मिला देना है, ठीक है। इससे हमको ये मिलाया है ना, ये मिलाया हमने इसको, इसको ये मिलाया और ये मिलाया, तो ये हमारा क्या बन गया, क्यूब बन गया है ना, क्यूब या घन बन गया। ये देखिए ये ऐसी आकृति बनी है इसकी है ना, ये ऐसी दिखेगी हमको, ठीक है, ये ऐसी आकृति दिख रही है, ये वाला पृष्ठ ये पृष्ठ दिख रहा है ना, ये वाला जो पृष्ठ है आगे वाला ये हमें ये दिख रहा है, और ये जो लाइन गई है ये वाली, तो ये दिख रही है हमको है ना, और ये वाली जो लाइन है वो ये वाली है ना, ये है तो ये वाली है, ठीक है, ये नीचे आई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ऐसे है ना, तो ये बनाओ, ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया घन, ठीक है। देखिए हम इसमें भी देख लेते हैं कि कितने कोने होते हैं, तो देखिए आप एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ठीक है, आठ कोने हो गए है ना, आठ कॉर्नर हो गए इसमें, इसमें भी हमने आठ ही गिने थे, इसमें भी आठ हो गए। चलिए अब हम भुजा की बात करें, तो भुजाएं देखिए आप, ये आगे वाला भाग है, तो ये इसकी एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चार हो गई। अब देखिए पीछे वाले में एक दो तीन चार, चार और चार कितनी होगी, आठ। अब देखिए आठ एक दो तीन और ये चार कितनी हो गई, चार तेरी बारह, बारह भुजाएं हो गई, ठीक है। अब पृष्ठ की यदि हम बात करें तो देखिए ये आगे वाला पृष्ठ हो गया एक है ना, ये वाला पृष्ठ अपना आगे वाला हो गया, ये वाला पृष्ठ पीछे वाला हो गया, ये वाला है ना, ये हो गया अपना दाएं साइड का पृष्ठ हो गया ये वाला है ना, ये बाएं साइड का पृष्ठ हो गया, ये ऊपर वाला पृष्ठ ये हो गया, और ये नीचे वाला पृष्ठ हो गया है ना। तो कितने पृष्ठ हो गए इसमें, कितने पृष्ठ हो गए, एक दो तीन चार पांच छह, छह पृष्ठ होते हैं, कितने होते हैं पृष्ठ, कितने होते हैं पृष्ठ, पृष्ठ हो गए छह, कोने कितने हो गए इसमें, कोने कितने हो गए चार, और चार आठ है ना। और यदि हम भुजाओं की बात करें तो भुजाएं कितनी हो गई है इसकी, भुजाएं भुजाएं कितनी गिनी थी अपन ने, चार तीरी बारह है ना, ये हो गई बारह, कैसे चार तीरी बारह, एक दो तीन चार, वो चार इसके अपोजिट जो है वो, और ये चार ऐसी है ना, कितनी हो गई बारह, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिक चीजें हैं इसकी, और दूसरी चीज ये है कि इसको आपको याद नहीं करना है, बहुत सरल चैप्टर है ये, आपको सिर्फ इसकी इमेज अपने दिमाग में बनाकर रखना है, क्यूब की है ना, इसकी इमेज आपको दिमाग में बनाकर रखना है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है ना, सारी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है, और जहां तक इसमें विकर्णों की लंबाई भी बराबर होती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी आकृति है, और इसका क्वेश्चन तो आपको छोड़ना कभी नहीं चाहिए है ना, यदि पेपर में आता है तो इसका क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सरल है, सिर्फ इसको समझना है, याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है। यदि आप भूल जाते हैं कि कितने पृष्ठ है, कितने कोने हैं, कितनी भुजाएं हैं, तो आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाइए, इस टाइप की इमेज बनाइए कि यार चार आगे एक पृष्ठ आता है, उसके जस्ट पीछे एक पृष्ठ आएगा, दो दाएं बाएं आएंगे, एक ऊपर नीचे आएगा, एक आगे का एक पीछे का, दो एक दाया एक बाया, कितने हो गए दो दो चार, और एक ऊपर और नीचे कितने हो गए छह पृष्ठ हो गए है ना। कोने की यदि हम बात करें तो हम दिमाग में इमेज बनाएंगे कि कोने कोने चार आगे के चार पीछे के कितने हो गए, कोने कोने कितने हो गए आठ हो गए। यदि हम भुजाओं की बात करेंगे तो देखिए चार भुजाएं आगे की चार भुजाएं पीछे की, और दोनों दोनों परतों को जोड़ने वाली भुजाएं चार हो गई, तो कितनी होगी चार तेरी बारह। तो ये हमको क्या बनाना है, हमारे दिमाग में इसकी इमेज बनाना है,
बाकी पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसके सिर्फ इमेज बनाने से, है ना। आपको डायग्राम की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो डायग्राम वही बनाना है जहां हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना। तो बहुत सरल चैप्टर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हम इसके टुकड़े करना सीखते हैं, है ना। यदि हमारे पास एक घन है तो हम उसके टुकड़े कैसे करेंगे, है ना। ये देखिए कैसे बनाएंगे घन। सबसे पहले हमने एक वर्ग बनाया, ये बनाया हमने वर्ग, वर्ग बनाया, एक दिशा में हमने क्या खींची, ये एक दिशा में ये लाइनें खींच दी हमने ऐसी, ठीक है, ये लाइनें खींच दी और सबको मिला दिया, ये हमने इनको मिला दिया, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन आता है कि ये जो वर्ग है ये इसकी जो भुजाएं हैं, भुजाएं हर भुजा 3 सेंटीमीटर की है, मतलब कि 3 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, है ना। तो एक वर्ग है 3 सेंटीमीटर, अब देखो इसमें भुजा 3 सेंटीमीटर बोला है, मतलब कि हर भुजा 3 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि क्यूब यानी घन, घन में सारी भुजाएं बराबर होती है, तो 3 सेंटीमीटर की हर भुजा होगी। और वो क्वेश्चन में हमसे यदि बोलता है कि आप 1 सेंटीमीटर वाले घनों में इसको बांटिए, है ना, तो कितने घन बनेंगे, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन इससे बनेंगे 3 सेंटीमीटर से। तो देखिए हम देखते हैं, देखो 3 सेंटीमीटर की भुजा है, है ना, 1 सेंटीमीटर में हमें बांटना है, तो 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर बांटना है, तो कितनी बार काटेंगे हम इसको, 2 बार काटेंगे, 2 बार काटेंगे 3 भाग हो जाएंगे। देखो कैसे, देखो ये आगे वाला भाग है, हम यदि इसको काटेंगे तो देखो 3 भाग करना है, ये 1 और ये 2 भाग की, तो देखो 1 2 3 तीन भाग में बढ़ गया, 1 2 3 है, 3 भाग में बढ़ गया। अब देखो ऊपर भी चले हम, ये चले और ये चले, ठीक है, ये चले, ये ऊपर, ये काट दिया हमने इसको, है ना, 3 भाग में 1 2 3 भाग, 1 2 3 भाग, है ना। अब देखो ऐसे भी काटेंगे हम इसको, ये और ये, है ना, 1 2 3। अब देखो यहां से भी काटेंगे हम इसको, ये और ये काटा, तो देखो आप यहां से भी काटेंगे हम इसको, ये 2 लाइन खींची हमने, 3 भाग हो गए इसके, यहां से 1 और ये 2 लाइन खींची, 3 भाग हो गए। देखिए अब देखिए यहां पर ये जो कॉर्नर वाला है, ये कॉर्नर वाला जो है, देखो ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, है ना, ये बीच वाले हो गए, ठीक है, ये बीच वाले क्यों हो गए, ये कोने वाले हो गए, ये देखिए ये कोने वाला है ना, ये यहां पर ये देखिए आप, ये एक एक घन बन गया है यहां पर, ये, है ना, ये एक घन बन गया है, ठीक है। तो ये एक घन बन गया, एक इसकी हर भुजा की लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, हर भुजा की लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो हम कैसे इसको काउंट कैसे करेंगे, काउंट कुछ भी नहीं करना है आपको, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ आगे वाला भाग देखना है, है ना। 3 सेंटीमीटर की ये भुजा है एक, है ना, 3 सेंटीमीटर की एक भुजा है, इसके हमने 3 टुकड़े किए, 1 2 3 और 3 ऐसे भी होंगे, क्योंकि 3 इसकी यदि लंबाई है तो 3 इसकी चौड़ाई भी है, है ना, और 3 इसकी ऊंचाई भी है, ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, है ना, और ये इसकी ऊंचाई हो गई, है ना। तो 3 सेंटीमीटर लंबाई भी है, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई भी है, 3 उसकी ऊंचाई भी है, तो हम इसको 1 1 सेंटीमीटर में बांट रहे हैं, है ना, 1 सेंटीमीटर में बांट रहे हैं। तो देखिए आप आगे वाला यदि हम भाग देखें, ये आगे वाला भाग है इसका, ये है ना, जब हमने इसको ऐसा बांटा, ये इसको हमने ऐसा बांटा 1 1 सेंटीमीटर में, तो देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बन गए। अब देखिए ये 9 वाली ये जो एक पट्टी बनी है, ये 9 वाली एक पट्टी बनी है, तो ऐसी कितनी पट्टियां हैं, 9, ये दूसरी, ये पहली पट्टी, ये दूसरी पट्टी, ये तीसरी पट्टी, 9 9 2 18 9 3 27, तो कितने घन बन जाएंगे, 27। 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन बन जाएंगे, 27। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ समझना है, यदि आप अच्छे से इसको समझ गए तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो
आपको यदि समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए घनाभ देख लेते हैं अपन, ठीक है, घनाभ देख लेते हैं। दोस्तों ये देखिए आप, ये जो डिब्बा है ये घनाव है ना। क्या होता है, जो घन होता है, जो घन होता है वो वर्ग जैसा होता है ना। वर्ग क्या होता है, टू डायमेंशन में होता है ना। और घन क्या होता है, वर्ग क्या होता है, टू डायमेंशन में होता है, और घन थ्री डायमेंशन में होता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ग है उसमें लंबाई तो है और चौड़ाई भी है, वर्ग में लंबाई तो है चौड़ाई भी है ना, दो चीजें, दो डायमेंशन है इसमें। लेकिन घन में क्या होता है, ऊंचाई भी बढ़ जाती है उसकी, है ना, तीन डायमेंशन हो जाती है। तो इसमें भुजाएं जैसे वर्ग में जिस प्रकार से भुजाएं बराबर होती है उसी प्रकार से घन में भी भुजाएं बराबर होती है। तो इसी प्रकार जैसे वर्ग है वैसे ही आयत, हम आयत लेंगे इसके लिए, ये है ना, हम ये आयत लेंगे, ठीक है। इसके लिए हमने लिया आयत, ठीक है, इसके लिए वर्ग लिया था हमने, घन के लिए वर्ग लिया था, घनाभ के लिए हम लेंगे आयत, या क्यूबॉइड के लेंगे ये लेंगे हम आयत। तो आयत हम लेंगे तो देखो आयत में भी ये देखिए, जैसे हमने इसमें किया था वैसे ही इसमें भी करना है। ये एक दिशा में आप लाइन खींचते चलिए, ये खींचिए हमने और इनको सबको मिला दीजिए, ये मिला है ये। तो ये आयत जब था, ये जब आयत था, ये जब आयत था तो ये टू डायमेंशन था, टू डायमेंशन था मतलब ये देखिए ये लंबाई और ये चौड़ाई। लेकिन ये देखिए ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और देखिए इसकी ऊंचाई भी आ गई है यहां पर, ये है ना, ये लंबाई हो गई इसकी, ये चौड़ाई हो गई और ऊंचाई भी हो गई। पहले इसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई थी, ये देखिए ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये बन गया था आयत, है ना, ये आयत बन गया था। अब हमने इसकी ऊंचाई दे दी तो इसी ये आयत ऊपर उठता चला गया, कितनी ऊंचाई तक, जितनी ऊंचाई हम ले रहे हैं उसके अनुसार ये ऊपर उठता चला गया, है ना, ये तो ये उसकी तीसरी डायमेंशन बन गई, तीसरी दिशा बन गई, है ना। तो देखिए 1 2 3 थ्री डायमेंशन बन गया, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे घनाभ, ठीक है। ये देखिए घनाभ को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये जो डिब्बा है ये कैसा बना हुआ है, देखिए ऐसा बना हुआ है ना। यदि हम इसको ऐसा रखेंगे ये ऐसा देखेगा हमको, ये कोना दिख रहा है, तो ये वाला जो है ये वाला भाग है, ये जो है ये वाला है, ये जो पट्टी गई है ये वाली है, ये है ना, ये हमको ये पूरा दिख रहा है, ये इसमें पूरा दिख रहा है, ठीक है। ये मिला है हमने इसको, ये ऊपर वाला यदि देखें, ठीक है, तो ये घनाभ हो गया। अब देखो इसको कैसे बांटना है हमें, ये भी हम सीख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है ना, लंबाई और चौड़ाई इसमें अलग अलग होती है। वर्ग इसमें घन में क्या होता है, सभी भुजाओं की लंबाई एक समान होती है, और घनाभ में क्या होता है, लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, और इसकी ऊंचाई भी अलग होती है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग होती है। तो ये जिस प्रकार से वो हमें बोलेंगे उसके अनुसार हम उसको काट सकते हैं। तो ये लंबाई मान लो ये 3 सेंटीमीटर की इन्होंने हमें लंबाई दी, और वो हमें ये बोलते हैं कि एक सेंटीमीटर लंबाई वाले घन बनाइए, है ना, 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन बनाइए। तो हम 1 सेंटीमीटर ये लंबाई को हमको काटना है, तो कैसे काटना, सिर्फ हमको लंबाई को काटना है। लंबाई कौन सी है, ये और ये क्या है, ये इसकी लंबाई है, तो हमें सिर्फ इसको काटना है, ठीक है, इसको काटना है। कैसे काटेंगे, ये 3 सेंटीमीटर है तो इसको क्या करेंगे, 2 बार काट देंगे, है ना, ये 2 बार कटा, ये पीछे का भाग कटा, है ना, तो 1 2 3 हो गए, 3 हो गए ना, 1 2 3 हो गए, 3 ये हो गए, 1 2 3 सिर्फ लंबाई में काटना था हमें, ये ऐसा काटा था हमने, है ना, ये ऐसा काटा, 1 2 3 अभी ये एक था तो कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए इसके। देखो सिर्फ लंबाई को काटने का बोला था इन्होंने हमें,
ना चौड़ाई को छेड़ने का बोला ना ऊंचाई को छेड़ने का बोला, ठीक है, सिर्फ लंबाई को काटना था कि इतनी लंबाई वाले हमें निकाल के दीजिए, इसमें से कितने बनेंगे, तो कितने बन जाएंगे, तीन बन जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये तीन, तीन भाग हो गए, दो बार काटा, एक दो तीन, तीन भाग अलग दिख रहे हैं ना आपको, ये लंबाई है, ये है, ये तीन भाग हो गए, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ये और वो एक ही चीज है, थ्री डायमेंशन है। जैसे वर्ग में, वर्ग हमने ऐसा बनाया था, ये हमने वर्ग बनाया था, है ना, ऐसा ये वर्ग बनाया था हमने, है ना। तो इसमें कितने कोने थे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ऐसे ही इसमें भी ये घन बनाया था हमने, ये घन है ना, ये ऐसे ही इसमें भी उतने ही कोने होते हैं, ठीक है। ये ठीक है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ठीक है, ये सब चीजें सेम होती दोनों में, ठीक है। कोने आपको पूरे उतने ही मिलेंगे, कितने, चार इसमें है, चार पीछे के, आठ हो गए, आठ इसमें भी है। यदि भुजाओं की बात करें तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, है ना, बारह भुजाएं इसमें भी है, बारह इसमें भी है। यदि परतों की बात करें, एक दो तीन चार पांच छ, इसमें भी छह है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ क्लियर हो गया ना, ये आपको सिर्फ अपने दिमाग में इमेज बनाकर रखना है ना। ये आपका क्या हो गया, ये देखिए, ये आपका हो गया घन, ये आपका हो गया घनाभ, ठीक है, ये दो चीजें हैं, ठीक है। ये आपके चैप्टर में सिर्फ दो ही चीजें हैं, घन और घनाभ। ये होता है घन, घन में सारी भुजाएं बराबर होती है, सारी भुजाएं बराबर होगी। ये घनाव है आपका, इसमें आप देखिए, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है, ये अलग है ना, ये इसकी चौड़ाई है, ये अलग है, और इसकी ऊंचाई देगी, ये भी अलग है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग होती है घनाव में, और घन में इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई, ये लंबाई यदि हम लेते हैं तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है ना। तो इस प्रकार से इसकी सारी भुजाएं समान हुई, और इसकी जो लंबाई वाली भुजाएं हैं, लंबाई वाली भुजाएं समान होगी, है ना, लंबाई। ये देखिए, एक दो तीन चार, तो ये चारों भुजाएं समान है, ये चारों भुजाएं लंबाई वाली समान है। और चौड़ाई वाली भुजाओं की बात करें, मान लो ये वाली चौड़ाई वाली है, तो एक है ना, दो, ये तीन और ये चार, ये चारों भुजाएं समान होगी। ऊंचाई वाली भुजाओं की बात करें तो एक दो तीन चार, ये भी समान होगी, ठीक है। तो ये आपको घन और घनाभ क्लियर हो गया। तो चलिए हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पांच सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को एक सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाए तो ऐसे घनों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए क्या बोल रहे हैं वो, कि पांच सेंटीमीटर भुजा वाले, है ना, क्या बोल रहे हैं, पांच सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, है ना, पांच सेंटीमीटर भुजा वाले घन को एक सेंटीमीटर भुजा वाले, है ना, पांच सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाए, है ना। तो ये क्या बोल रहा, पांच सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को एक घन को एक सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में, घनों या क्यूब में विभाजित किया जाए कितने क्यूब बनेंगे, है ना, कितने घन बनेंगे। देखिए कितने घन बनेंगे, पांच सेंटीमीटर वाला घन है, पांच सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, हमें पता है कि घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, पांच सेंटीमीटर है मतलब पांच सेंटीमीटर घन की लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, और एक सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है,
एक सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में उसको तोड़ना है, ठीक है, एक सेंटीमीटर वाले घनों में उसको तोड़ना है, तो कितने घन बनेंगे एक सेंटीमीटर वाले, देखिए बहुत सरल है क्वेश्चन, आप लिख लीजिए चाहो तो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं क्या घन, है ना। घन कैसे बनाएंगे, ये बनाए हमने वर्ग, है ना, भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ये बनाया हमने वर्ग, है ना, एक दिशा में हमने लाइन खींच दी, ये खींची हमने लाइन, ये खींच दी हमने लाइन, ये खींच, ठीक है, ये मिला दिया इनको आपस में, तो इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, तो ये क्या बन गया हमारा घन बन गया। अब देखिए दोस्तों, हम ये पीछे वाली पीछे वाले भाग को हम मिटा देते हैं, नहीं तो ये हमको कंफ्यूज करेगा, है ना, ये पीछे वाला, क्योंकि आगे वाला भाग देख रहे हैं हम, तो ये वाला नहीं दिखेगा हमें, है ना, ये वाला हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। देखिए ये हमको इतना दिख रहा है, है ना, इतना हमको दिख रहा है, ठीक है, ये आगे वाला भाग है, ये साइड वाला है, ये ऊपर वाला है, ये तीन हमें दिख रहा है। अब इसको देखो, ये 5 सेंटीमीटर का ये है ना, 5 सेंटीमीटर का है, इसको 1 सेंटीमीटर में बनाना है, 1 सेंटीमीटर वाले बनाना है घन, कि कितने बनेंगे, है ना, कितने बनेंगे ये हमें ज्ञात करना है, कितने बनेंगे 1 सेंटीमीटर वाले, है ना। तो देखिए 5 सेंटीमीटर का है ना, तो 5 के कितनी बार काटेंगे हम, 4 बार काटेंगे, तो 5 इसके टुकड़े हो जाएंगे, देखो 4 बार काटा हमने, ये 1, ये 2, ये 3, देखिए मैंने ज्यादा पास कर दिया इनको, है ना, ज्यादा दूर करता हूं इसको, ये 4 बार काट दिया, है ना, देखिए 1 2 3 4 5, है ना, ये 5, और इधर से भी हम काटेंगे इसको 5 बार, 1 2 लाइन खींची हमने, 3 खींची, ये 4 खींची, ठीक है। देखिए ये आगे वाला भाग हो गया अपना, ये आगे वाला भाग हो गया, है ना, ये आगे वाले भाग में कितने बने 1 सेंटीमीटर वाले, 1 2 3 4 5, 5 बने, 5 5 10 5 3 15 5 4 20 5 25, 25 बन गए, 25 बन गए, 1 2 3 4 5 5 10 5 3 15 5 4 20 5 25, 25 बन गए ना, 25 का आप 5 में और गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कैसे आएगा देखो, ये जो पट्टी है ये हमने ली इसको, ये 5 एक सेंटीमीटर की है, ये 1 सेंटीमीटर वाले 1 2 3 4 5 बने, जब हम इसको ये लंबाई में हमने 5 कर लिए, अब इसको चौड़ाई में जब हम ले जाएंगे, ये चौड़ाई में लेके गए तो 1 2 3 4 ऐसे खींचेंगे, है ना, ठीक है, चलो यहां भी कर ही देता हूं, है ना, ये ठीक है, ऐसा हमने उसको बांट दिया, देखो 1 2 3 4 5, ये 5ों को लेके हम नीचे चले तो कितने हो गए 5 5 25, और उधर चले तो 25 5 125 आ गया आपका आंसर। आपको क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने बन रहे हैं, एक लाइन देखिए आप, तो 1 2 3 4 5 बन रहे हैं ना, 1 सेंटीमीटर वाले कितने बन रहे हैं, 5, आपको सिर्फ 5 का क्यू कर देना है बस, 25 5 25 25 5 125,
125 आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, गिन के बताता हूं मैं। ये कितने हो गए, 5, 5, 10, 5, 3, 5, ये 10, 15, 20 और ये 25 हो गए, है ना, ये 25 हो गए आपके, ठीक है, 25 हो गए। अब देखिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, 5 हो गए। अब देखिए 5, 5 × 10, 5 × 3 = 15, 5 × 20 = 25, 25। जैसे हम इसको देखें, देखिए इसको हमने बांट दिया यहां से ऐसे, 2, 3, ये 4 बार काटा है, और 1, 2, 3 और ये 4 बार, तो देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5, 5, 10, 15, 15, 25, ये 25 हो गए। अब देखो 25 का जब हम यहाँ पर एक क्यूब बनाते हैं, ये वाला ये ऐसा बनेगा है, तो ये कोने का एक बन गया, तो ये वाला है वही है ना, ये वाला ये जो दिख रहा है वही ये कोना आ गया है ना, तो ये है, तो ये एक ऐसे ऐसे कितने बन गए, ये 25। तो ये वाली जो पट्टी है, ये वाली जो पट्टी है इसमें ये पूरे में, यहां से यदि हम ऐसा लें इसको, ये तो इतने भाग में कितने हो गए, ये 25 हो गए। अब देखो इसमें कितनी पट्टियां बनी है, इधर भी कितनी बनी है, 5, ये 1, 2, 3, 4, 5, तो हम कितनी बार, 5 बार, 1 ये 25 है ना, 25 × 50, 25 × 3 = 75, 25 × 100, 25 × 5 = 125, आ गए 125, ठीक है, हो गए ना पूरे बन गए। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, यदि आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है कि 3 सेंटीमीटर का कोई क्यू है ना, 3 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर बदलना है, या फिर बोल दिया उन्होंने कि 6 सेंटीमीटर का है और आपको 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, है ना, तो कुछ नहीं करना है, 6/2 सेंटीमीटर की बात हो रही ना, 2 × 3 = 6 है ना, तो कितने क्यूब बनेंगे, 3 क्यूब बनेंगे, है ना, 2 सेंटीमीटर वाले की बात हो रही है और 6 सेंटीमीटर का है, तो 3 क्यूब बनेंगे, है ना, 3 क्यूब बनेंगे कैसे में, 1, 2, 3 ऐसे 3 क्यूब बनेंगे, है ना, तो 3 और 3 ऐसे में बनेंगे, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, सिर्फ जो 3 आया तो उसका आप तो क्यूब कर दीजिए, 3 × 9 = 27, 27 क्यूब बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको ये डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप जब सॉल्व करोगे ना तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए अब आया है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में विभाजित। देखिए ये बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर वाला घन है, ठीक है, ये एक घन है, ये घन है, ये घन है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब कि सारी भुजाओं की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर है, और ये हमें कितने में बदलने की बोल रहा है, ये बोल रहा है 3 सेंटीमीटर, तो ये हमें बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले इसमें कितने घन बनेंगे, कितने घन बनेंगे, ये क्वेश्चन है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाला ये घन है, इसमें 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, 12 में 3 का भाग दीजिए, 3 × 3 = 12 और 4 का आप क्यूब कर दीजिए, 4 × 16 = 64 बनेंगे। आगे आंसर क्या करना था, 12 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, इसको 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाना है इसके, है ना, तो कितने घन बनेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 12 में 3 का भाग दीजिए, 3 × 12 = 4 आया, 4 का क्यूब कर दीजिए,
16, 64, 64 बनेंगे, 64 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना सरल, एक लाइन में हुआ ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आया है एसएससी में आया है क्वेश्चन। ठीक है ये वाला करते हैं अपन, जो एग्जाम में आए हैं उनको देख लेते हैं, है ना, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये एसएससी में क्वेश्चन आया है 2010 में, है ना, 10+2 लेवल में। यदि 64 छोटे घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है तो कितने छोटे घन के दो फलक दिखाई देंगे, है ना। 64 छोटे घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है तो कितने छोटे घन के, एसएससी में आया है 2010 में। ठीक है एसएससी में आया है 2010 में। चौसठ छोटे घनों को मिलाकर, है ना, 64 छोटे घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया गया है। ठीक है एक ठोस घन बनाया है, 64 छोटे घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया है तो कितने छोटे घन के दो फलक दिखाई देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अभी क्वेश्चन आया है तो हम इसका बेसिक भी देख लेते हैं, है ना, इसका बेसिक भी देख लेते हैं, इसका बेसिक क्या है। देखिए ठीक है, हमें पीछे वाली लाइनें मिटा देते हैं तो हमको साफ दिखेगा इससे। देखिए इसके अनुसार ही हम समझ लेते हैं, 64 छोटे घन हैं, है ना, 64 छोटे घन हैं। तो देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन डायमेंशन में हम चले, है ना, तो ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई, है ना, तीन डायमेंशन में हम चले। तो देखिए चार 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 चुके गुणा किया कितना हो गया 16 चुके 64। तो इसका घनमूल क्या आया, इसका घनमूल क्या आया, 64 का घनमूल क्या आया, 64 का घनमूल आ गया 4। ठीक, इसका घनमूल 4 आ गया। हमें यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले क्या निकाल लेना है, उसका घनमूल निकाल लेना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल क्या आ गया, उसका 4 आ गया। तो 4 आ गया मतलब हमको हर पृष्ठ को चार चार भागों में, मतलब कि जो एक एक डायमेंशन होगी वो चार भाग में बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे एक डायमेंशन जो है वो चार भागों में बढ़ जाएगी इस प्रकार से। तो देखिए हम बांटते हैं, देखिए चार भाग में बांटना है मतलब हमें तीन लाइन खींचना पड़ेगी। ठीक है, जितने भागों में बांटना होता है उससे एक कम करके उतनी लाइनें हम खींच देते हैं तो उतने भाग हो जाते हैं। देखिए हमने तीन लाइन खींची है तो एक दो तीन चार भाग में बढ़ गया। अब ऐसे ही हम तीन लाइन आड़ी भी खींचेंगे, ये है ना, ये खींची हमने, ये खींच इधर खींच दी। अब देखिए ऊपर भी खींच देते हैं, ये हमने बीचों बीच ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, अब देखिए ये हमने बीचों बीच खींच दी, ये हो गई,
अब देखिए ऐसे भी खींचेंगे हम, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें कितने क्यूब हो गए, 64 हो गए। कैसे, 1 2 3 4 है ना, ये चार घन है ना, चार घन है। तो 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 16 हो गए। और जब हम 16 को 16 की पट्टियां लेके चलेंगे तो एक पट्टी, दो पट्टी, तीन पट्टी, चार पट्टी, 16 का 16 16 2 32 16 3 48 16 4 64, चार पट्टी में चलेंगे तो 64 हो जाएंगे, हो गए 64। ठीक है, तो हमें कुछ क्या करना है, सबसे पहले जो भी मतलब यहाँ पर जितने भी आते हैं छोटे घन उनका हमें वर्गमूल निकालना है। तो 64 का हमने वर्गमूल निकाला तो क्या आया, 4 आया है ना। तो हर डायमेंशन को हमने चार चार भागों में बांट दिया, ठीक है, ऐसे ये कोई भी डायमेंशन, ये 1 2 3 3 3 लाइन खींची तो चार चार भागों में आ गया, ऐसे तीन लाइन हम ऐसे खींचेंगे, ठीक है। तो हमने इनको क्या बांट दिया, चार चार भागों में बांट दिया। अब देखिए, अब यहां पर यदि हम देखें तो किस घन को हम तीन तरफ से देख सकते हैं, किसको एक तरफ से देख सकते हैं, किसको दो तरफ से देख सकते हैं, किसको हम देख नहीं सकते, वो हम सब देखते हैं ना। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कोनों पर, है ना। जितने भी कोने होंगे, जितने क्या है? 8 कोने तो होते ही हैं, है ना, 8 कोने होते हैं, तो ये 8 कोने हो गए। तो 8 कोने पर, 8 कोनों पर जो भी घन होगा, जो भी घन होगा मतलब कि 8 घन होंगे, तो ये जो घन है इनको हम तीनों तरफ से देख सकते हैं, 1 2 3 है ना, 1 2 और एक उस तरफ 3, 1 2 3 है ना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो ये जो कोने वाले जो घन है इनको हम तीनों तरफ से देख सकते हैं। अब देखिए, ये दो कोने हैं, दोनों के बीच में जितने भी घन होंगे, दोनों कोनों के बीच में जितने भी घन होंगे उन सबको हम दो तरफ से देख सकते हैं। देखिए ये है ना, ये देखिए दो तरफ से हम इनको देख सकते हैं, ये ऐसा इनको है ना, ये ठीक है, ये। तो कोने के साइड वाले, कोने के बगल वाले जितने भी घन होंगे, कोनों के बगल वाले है ना, जितने भी घन होंगे उनको हम दोनों तरफ से देख सकते हैं। और ये जो बीच में है, देखिए ये अब जो बीच में जो बचे हैं ये वाले, इनको सिर्फ हम एक ही तरफ से देख सकते हैं, ठीक है, इनको साइड से हम नहीं देख सकते। देखिए आप यदि देखोगे, देखिए मैं आपको इसमें भी समझा देता हूं, ये देखिए जैसा ये है, तो देखिए कोने पे जो भाग है, हम यहां पर मान लो एक घन बनता है ऐसा, ये बना है ऐसा, ये घन बना है। देखिए हम इस घन को 1 2 3 तरफ से देख सकते हैं, और मान लो यहां पर कोई घन है, ये ऐसा कोई घन है, तो देखिए हम इसको दो तरफ से देख सकते हैं, और यहां पर कोई घन बना है ऐसा, ये बना है, तो देखिए हम इसको सिर्फ सामने से ही देख पा रहे हैं ना, इसको सिर्फ हम सामने से देख पा रहे हैं। और कोने पे जो बना है उनको हम तीन तरफ से देख पा रहे हैं, और कोने के बगल वाला मतलब साइड वाले जो घन है उनको हम दो तरफ से देख सकते हैं। तो यहां पर भी वही चीज है, देखिए आप यहां पर देखिए आप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। देखिए 8 ये घन हो गए जिनको हम ये है ना, ये 8 घन सामने वाले हो गए है ना, इस तरफ के सामने वाले 8 घन हो गए जिनको हम दो तरफ से देख सकते हैं। 8 इधर हो गए, 8 ऐसे ही जब हम पीछे से पीछे का भाग लाएंगे सामने तो 8 पीछे भी हो जाएंगे, ठीक है, 8 पीछे हो गए। अब देखिए 8 आगे हो गए, 8 पीछे हो गए। अब देखिए यहां पर ये जो कोने हैं, तो कोने की ये दो डायमेंशन तो हमने देख ली, एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये है ना, उधर भी देख लिया, तो एक डायमेंशन में 2, इधर भी 2 है ना, इधर इधर 2, तो ये ऐसे कितने हो गए, 4 2 2 4 2 6 2 8 इधर हो गए, 8 पीछे हो गए, और यहां पर कितने हो जाएंगे, देखिए इनके बीच में कितने हैं, 2 इनके बीच में, 2 इनके बीच में, 2 इनके बीच में, 2, तो कितने हो जाएंगे, 8 8 2 16 8 3 24, तो ऐसे कितने घन हो गए, 24, ठीक है दोस्तों।
अब बाकी के क्वेश्चन जितने भी है इस चैप्टर से रिलेटेड वो आप करके देखेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन आप करके देखेंगे, यदि आपसे नहीं बनता, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। या फिर ये मेरा नंबर लिख लीजिए आप, है ना, ये नंबर है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं मुझसे, है ना, कॉल करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट में करके बताइए, यदि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर में, तो एक अपन वीडियो और बना लेंगे, उसमें हम सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया है, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, हर टाइप के अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यदि आपसे नहीं